सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षा बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना सिर मुंडन कराया और सीधे तौर पर कहा कि बराबरी करेंगे। हम लोग सरकार का दसवीं कर रहे हैं आज। जी सर, अगर जिंदा रहती तो हम लोग को 3.5 वर्ष से आवाज एक बार भी तो सुनती। आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ देती है। एक बार विज्ञप्ति निकाल देने में क्या लगा? हम लोग तो आज ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं ना, उससे सिर्फ विज्ञप्ति मांग रहे हैं कि भाई आप डेडलाइन दे दो, एक विज्ञप्ति दे दो, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र 2 साल 4 साल 6 महीना बचा हुआ है, उनके वे तो बेरोजगार ही मरेंगे ना। तो सिर्फ हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं कि कम से कम लाइफ सिक्योर हो जाता। आप ही बताइए, एक पत्थर पर बार बार रस्सी घिसा जाए तो उस पर दाग हो जाता है और इनका ह्यूमन मर चुका है हमारे सरकार का। तो हम लोग करे तो क्या करे? सरकार माँ बाप होता है, लेकिन वो माँ बाप हमारे मर चुके हैं जिनका हम लोग आज दसवीं कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग उनका श्राद्ध करेंगे जो समय आएगा 2024। देखिए 42 महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार से आश्वासन पर आश्वासन। हम लोग बीएड सीटेट सारे हड़ताल पूर्ण करके हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं और स्कूल का आलम यह है कि आप देख रहे होंगे कि हर 1-2 दिन में आप मीडिया के माध्यम से स्कूल में शिक्षक का कमी है, स्कूल में शिक्षक नहीं है छात्र को पढ़ाने के लिए। एक तरह से बिहार सरकार देशद्रोह का काम कर रही है। शिक्षक के साथ साथ बच्चों के साथ साथ शिक्षक का जिंदगी बर्बाद कर रही है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 3.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ। इसी विरोध में हम लोग सर मुंडवाए हैं और जब तक विज्ञप्ति नहीं देंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन के लिए विरोध है, उनके लिए हम लोग उनसे विरोध है। भैया सरकार का दसवा कर रहे हैं हम, सरकार हमारे लिए अब नहीं है जिंदा। 3.5 बरस से मुख्यमंत्री जी का हम लोग देख रहे हैं, बहाली नहीं दे रहे हम लोग का। हम लोग के लिए तो बचे क्या? जब माई बाबू हमारे घर से कुछ करबे नहीं करेंगे मेरे लिए तो फिर हम माई बाबू को मानेंगे काहे? भैया पुराना दीवाल पर पेंट कर देने से नया दीवाल ना हो जाएगा? ट्रेनिंग वाले राजस्व विभाग में क्या हुआ था आपको नहीं मालूम है? ट्रेनिंग पूरा हो गया है, आप बुलाकर ज्वाइनिंग बांट रहे हैं, हमको ना पता है। क्या लगता है सरकार? बिल्कुल जाएगी, काहे नहीं जाएगी? कानून में सरकार सब कुछ जान रही है लेकिन वो 2024 का सोच रही है। तो सोच लीजिए 12वीं कर देंगे 2024 में। आज 10वां किया है ना, 12वीं पर हम भोज कर देंगे 2024 में। नहीं मांग पूरा होगा तो? बिल्कुल नहीं मांग पूरा होगा तो। चार साल से एक ही मांग के लिए सड़क पर है, सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति, जिसके लिए कि हम लोग कंटिन्यू 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4थे साल में हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। हम लोगों को एक रिटेन आश्वासन मिला था कि 26 जुलाई से आपका वैकेंसी ओपन हो जाएगा, तो हम लोगों ने 26 जुलाई तक का वेट किया। आफ्टर दैट 1 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में अपना प्रोटेस्ट जो है उसको कंटिन्यू रखे थे। आप लोग खुद देखे होंगे कि 22 अगस्त को जो डाक बंगला चौराहे पे प्रोटेस्ट था वो भी हम ही लोग का प्रोटेस्ट था। उसमें किस बर्बरता तरीके से हमारे अभ्यर्थियों को पीटा गया, तिरंगा लिए हुए यात्रियों पे पीटा गया, अभ्यर्थी थे सॉरी, और उसके बाद सर सैकड़ों अभ्यर्थी घायल हो गए थे। और हम लोगों को धमकी दिखाई जाती है कि अगर आप लोग ये पोस्टर बैनर लेके चलेंगे ना तो आपके ऊपर धराएं लगा देंगे। हम लोग आज पोस्टर बैनर लेके चल रहे हैं, आप धराएं लगा के दिखाइए आप कितने लोगों पे धराएं लगाएंगे। 1,20,000 अभ्यर्थियों को डालने के लिए जेल में है आपके पास जगह? क्या कहने चाहेंगे सरकार? सर सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप किस नींद में सोए हैं, थोड़ा नींद खोल करके और चुनाव का जो एक नशा आपके पास है ना, 2024 और 25 से पहले आप बहाली नहीं देने के मूड में हैं, तो हम लोग भी इस बार मूड बना करके ही आए हैं कि डू और डाई। हम लोग इसी गर्दनी बाग की धरती से गांधी जी का जो नारा था ना करो या मरो, तो हम लोग भी उसी नारे के साथ आए, अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर सत्याग्रह से बात नहीं बनेगी ना तो हम लोग आगे चलकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप उससे भी नहीं मानिएगा तो हम लोग भी पूरे बिहार में भ्रमण करके और अंत में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना उसी के तर्ज पे मैं आज आह्वान करना चाहती हूँ कि राजनेताओं बिहार छोड़ो, अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, आपको लग रहा है ना कि आप पीएम के योग्य हैं, अगर आप सीएम नहीं ढंग से बन सकते हैं तो आप पे देश क्या भरोसा करेगा? कि सरकार की दसवीं की जा रही है यानी सरकार की श्राद्ध किया जा रहा है और जल्द ही सरकार की 13वीं भी होगी जो सरकार
हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, वह सरकार मरी हुई है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।